सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेकराम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मेकराम टिफिन बैग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए येलो कलर की कॉर्ड, ब्लू कलर की कॉर्ड, लाइटर, सीजर, 3 राउंड शेप रिंग, 6 इंच की 1 काटा बीट्स एंड 1 फ्लावर बीट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम 6 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और उसमें 28 येलो कलर की कॉर्ड्स एंड 14 ब्लू कलर की कॉर्ड्स को अटैच करेंगे और इन सभी की साइज़ है 3 मीटर। और साथ में देखिए, इसे अटैच करने के बाद हमको यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 टाइम ओ निकालना है यही कॉर्ड को, और इसी तरीके से हमको बाकी के सभी कॉर्ड्स को भी अटैच करना है और राइट हैंड साइड से 1 टाइम्स ओ निकालना है एक एक कॉर्ड को जैसे हम यहाँ पर अटैच करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस सीक्वेंस से यहाँ पर हमने कॉर्ड्स को अटैच करा है कि सबसे पहले यहाँ पर हमने 4 येलो कलर की कॉर्ड्स को अटैच करा है एंड देन 2 ब्लू कलर की कॉर्ड्स, फिर उसके बाद 4 येलो कलर की कॉर्ड्स एंड देन 2 ब्लू कलर की कॉर्ड्स। तो देखिए इसी सीक्वेंस से पूरे राउंड को हमको फिल करना है ये कॉर्ड्स से। यहाँ पर टोटल 7 पार्ट्स येलो कलर की कॉर्ड्स के हैं और इसी तरीके से 7 पार्ट्स ब्लू कलर की कॉर्ड्स के भी हैं। अब देखिए इसके बाद हमको लाइन बाय लाइन सिंपल बेस्ट नोट को बनाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम 4 ब्लू कलर की कॉर्ड से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए ये जो 4 ब्लू कलर की कॉर्ड्स है उनकी हेल्प से एक सिंपल बेसिक नोट को बना लेंगे और इसी तरीके से पूरे राउंड में यही सिंपल बेसिक नोट को बनाते जाना है और लाइन बाय लाइन हमको ये सिंपल बेसिक नोट ही बनाते जाना है। और यहाँ पर हम 12 टू 13 टाइम्स यही लाइन बाय लाइन सिंपल बेसिक नोट की बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली लाइन में सिंपल बेसिक नोट को बना लिया है। अब हम इसी तरीके से सेकंड वाली लाइन में भी बना लेंगे। तो देखिए सेकंड वाली लाइन में बनाने के लिए हमको ये जो गैप है, इन नोट्स के बीच में गैप है, वो गैप में हमको यहाँ पर नोट्स बनाना है। इसलिए हम दो दो कॉर्ड्स लेंगे, एक नोट की और फिर उसके साइड वाले नोट्स के भी 2 कॉर्ड लेंगे और ये टोटल 4 कॉर्ड्स होने के बाद इनके बीच में यहाँ पर हम सिंपल बेसिक नोट को बना लेंगे। तो इसी तरीके से पूरे राउंड को फिल करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 11 to 12 लाइन यही सिंपल बेसिक नोट की बना ली है, और इस तरीके से लाइन बाय लाइन सिंपल बेसिक नोट बनने के बाद अब हम यहाँ पर 6 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और उसे हम इन बची हुई कोट्स में अटैच करेंगे। तो देखिए, इसके नीचे वाले पार्ट में हमको ये सेकेंड वाली रिंग को अटैच करना है, और यहाँ पर हमने ये रिंग के अंदर से सभी कोट्स को निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर रिंग को अटैच करेंगे। तो देखिए, रिंग को अटैच करने का तरीका इस तरीके से है कि हम रिंग को ऊपर रखेंगे और बाकी के बचे कोर्ड्स को नीचे रखेंगे, फिर एक कोर्ड को नीचे से ऊपर की ओर घुमाएंगे इस रिंग के ऊपर से, और कम से कम 2 टाइम्स हमको इस रिंग के ऊपर से निकालना है एक एक कोर्ड को, और लाइन बाय लाइन ऐसे करते जाना है, एक एक कोर्ड को लेते जाना है, रिंग के ऊपर से 2 2 टाइम्स निकालते जाना है। तो तब जाके हमारी ये रिंग इन बाकी की बची हुई सभी कोर्ड्स में अटैच हो पाएंगी। देखिए, यहाँ पर हमने सेकेंड वाली राउंड शेप की रिंग को हमने इसके नीचे वाले पार्ट में अटैच कर दिया है, और इस तरीके से सभी कोर्ड्स इस रिंग में अटैच होने के बाद अब हम इसके नीचे वाले पार्ट की डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर येलो कलर की कोर्ड लेंगे, और ये येलो कलर की कोर्ड में सबसे पहले हम पाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर हमको एक कोर्ड इनसाइड रखना है, और उसके बाद बाकी की सभी बची कोर्ड की हेल्प से आगे पाइपिंग करना है। और साथ में देखिए, यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन पूरे राउंड में कंटिन्यू पाइपिंग करते जाएंगे, इसलिए इसके साथ साथ हमको यहाँ पर एक एक कोर्ड को कट करना है सीजर की हेल्प से, और फिर लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक करना है, और उसके बाद पाइपिंग को कंटिन्यू करना है। और देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग करने का तरीका इस तरीके से है कि यहाँ पर जो हमने एक इनसाइड वाली कोर्ड ली है उसे हम ऊपर रखेंगे और बाकी के बचे कोर्ड्स को नीचे रखेंगे, फिर नीचे वाली कोर्ड को इस इनसाइड वाली कोर्ड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे, और इसी तरीके से हमको बाकी के बचे हुए कोर्ड्स की जो एक कोर्ड है उसको लेते जाना है और इस इनसाइड वाली कोर्ड के ऊपर से 2 2 टाइम्स निकालते जाना है। तो तब जाके हमारी ये पाइपिंग होंगी। और देखिए फ्रेंड्स, साथ में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम फर्स्ट वाली लाइन में 3 कोर्ड्स को कट करेंगे, तब जाकर हमारी सिस्टमेटिक पाइपिंग होगी, इसलिए यहाँ पर हम 2 2 कोर्ड्स लेकर पहले पाइपिंग करेंगे, फिर ये 2 कोर्ड्स को पाइपिंग में इंक्लूड करने के बाद एक एक कोर्ड को कट करेंगे। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमको इस पहले फर्स्ट वाली लाइन में 3 कोर्ड्स को कट करना है, तो तब जाकर हमारी परफेक्ट पाइपिंग होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पूरे राउंड में ये पाइपिंग को कर लिया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने 3 कोर्ड्स को कट करा है इसकी फर्स्ट वाली लाइन की पाइपिंग में, और कट करने के बाद लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर दिया है। अब हम इसकी सेकेंड वाली लाइन की बात करते हैं। तो देखिए, इसकी सेकेंड वाली लाइन में भी हम पाइपिंग करेंगे इसी तरीके से पूरे राउंड में। अब हम यहाँ पर इसके सेकेंड वाली लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्ड्स को ही कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने सेकेंड वाली लाइन में ये जो एक कोड है पहले से कट कर लेते हैं, और उसे लाइटर के हेल्प से स्टिक कर देते हैं, फिर उसके बाद हम पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे, और कम से कम 3 to 4 कोड ये पाइपिंग में इंक्लूड करने के बाद फिर से एक कोड को कट करेंगे, और फिर कोड को कट करने के बाद लाइटर के हेल्प से स्टिक करेंगे। देखिए, ये फिर से हमने सेकेंड कोड को कट करा है, और उसके बाद अब हम पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे, और ये जो हम कोर्ड को कट करते जा रहे हैं उससे बाद में लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहले ही 2 कोर्ड्स को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे, अब हम कोई कोर्ड को कट नहीं करेंगे इसके सेकेंड वाली लाइन की पाइपिंग में। अब हम इसी तरीके से इसके थर्ड वाली लाइन की पाइपिंग कर लेंगे, और इस बार ये जो थर्ड वाली लाइन की पाइपिंग में हम इसमें भी 2 कोर्ड्स को कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट वाली लाइन की पाइपिंग में 3 कोर्ड्स को कट करा, फिर सेकेंड वाली लाइन की पाइपिंग में 2 कोर्ड्स को कट करा, एंड देन थर्ड वाली लाइन की पाइपिंग में 2 कोर्ड्स को कट करा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इन कोर्ड्स को कट करा, और यहाँ पर हमारी परफेक्ट पाइपिंग हुई है। अब हम कंटिन्यू करते जाएंगे ये पाइपिंग को पूरे राउंड में, और लाइन बाय लाइन ये देखिए 2 2 कोर्ड्स को हमको कट करते जाना है, और फिर पाइपिंग को आगे कंटिन्यू करना है। तो तब जाके हमारी पूरी ये इस तरीके से राउंड बाय राउंड की पाइपिंग होगी।
और यहाँ पर जैसे हम फोर और फिफ्थ एंड सिक्स लाइन की पाइपिंग करेंगे उसमें हमारी पाइपिंग की लाइन छोटी होती जाएंगी, इसलिए हमको यहाँ पर कोर्ड्स को ज़्यादा कट करना पड़ेगा। इसलिए देखिए इसके फिफ्थ और फोर्थ लाइन में यहाँ पर हम थ्री थ्री कोर्ड्स को कट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर टू टू कोर्ड्स को कट करा था, इस पर हमको पाइपिंग को कम करने के लिए ज़्यादा कोर्ड्स को कट करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर थ्री कोर्ड्स को कट करेंगे इसके फिफ्थ लाइन में और फिर पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरीके से आगे की सिक्स लाइन में भी हमको यहाँ पर थ्री या फोर कोर्ड्स को कट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी ये छोटी अंदर की राउंड शेप की पाइपिंग होगी और यहाँ पर सिक्स टू सेवन लाइन की राउंड शेप की पाइपिंग होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेवन लाइन की पाइपिंग है इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ड को कट करना पड़ेगा, तब जाकर ये स्मॉल साइज़ की पाइपिंग होगी। इसलिए इसकी सिक्स लाइन में यहाँ पर हम फाइव कोर्ड को कट करेंगे और फाइव कोर्ड को कट करने के बाद उसे लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे, फिर उसके बाद पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो तब जाकर हमारी ये स्मॉल साइज़ की, देखिए ये इनसाइड वाली साइज़ की ये पाइपिंग होंगी। और यहाँ पर ये जो हमने कोर्ड्स को कट करा उसे हम इस तरीके से ये अंदर की ओर ले जाएंगे और ये यहाँ पर ये जो कोर्ड्स बच चुके हैं उसे लाइटर की हेल्प से आप चाहे तो स्टिक भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सिक्स इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और उसमें 32 ब्लू कलर की कोर्ड्स को अटैच करेंगे और इन सभी की साइज़ है 1 मीटर। और देखिए फ्रेंड्स, कोर्ड को अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड से 1 टाइम्स ओन निकालेंगे यही कोर्ड को, और इसी तरीके से हमको बाकी के बचे कोर्ड्स को भी अटैच कर लेना है। पहले हम एक कोर्ड को अटैच करेंगे और फिर राइट हैंड साइड से 1 टाइम्स ओ निकालेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 32 ब्लू कलर की कोर्ड्स को अटैच कर दिया है और अब हम यहाँ पर पूरे राउंड में पाइपिंग करेंगे। जिस तरीके से हमने पहले पाइपिंग करी थी बस उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको पाइपिंग को कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पाइपिंग करेंगे और जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया था पाइपिंग करने का, बस उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको पाइपिंग को कर लेना है। और यहाँ पर ये कम से कम 3 to 4 कोर्ड्स को पाइपिंग में इंक्लूड करने के बाद अब हम यहाँ पर एक कोर्ड को सीजर की हेल्प से कट करके लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। और यहाँ पर भी हम जैसे हमने पहले 3 कोर्ड्स को कट करा था फर्स्ट वाली लाइन में, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 3 कोर्ड्स को कट करेंगे और 3 कोर्ड्स को कट करने के बाद आगे पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे, तो तब जाकर हमारी परफेक्ट शेप की पाइपिंग होगी। देखिए इसकी फर्स्ट वाली लाइन में जैसे मैंने पहले बताया था बस उसी तरीके से यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली लाइन में 3 कोर्ड्स को कट करा है और फिर आगे पाइपिंग को कंटिन्यू करा है। अब हम सेकंड वाली लाइन को भी इसी तरीके से करेंगे। सेकंड वाली लाइन में हम 2 कोर्ड्स को कट करेंगे, तो देखिए पहले हम यहाँ पर थोड़ी पाइपिंग करेंगे, फिर उसके बाद एक कोर्ड को कट करेंगे, फिर एक कोर्ड को कट करने के बाद आगे थोड़ी पाइपिंग को हम कंटिन्यू करेंगे, फिर दूसरी कोर्ड को कट करेंगे। तो इस तरीके से सेकंड वाली लाइन में 2 कोर्ड्स को कट करेंगे और फिर पाइपिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर हमको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स लाइन की पाइपिंग भी कर लेना है। और लाइन बाय लाइन जैसे ही हम यहाँ पर पाइपिंग करते जाएंगे उसमें हमको इनकी हर एक लाइन में 2 से 3 कोर्ड्स को कम से कम कट करना ही है, तभी जाकर हमारी ये पूरी ऐसी राउंड शेप की पाइपिंग बनेगी।
देखिए इसके फोर्थ वाली लाइन में यहाँ पर हम थ्री कोर्ड्स को कट करेंगे और थ्री कोर्ड्स को कट करने के बाद आगे पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए इसकी फिफ्थ वाली लाइन में हम फोर कोर्ड्स को कट करेंगे और फोर कोर्ड्स को कट करने के बाद आगे पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम फोर कोर्ड्स इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो पाइपिंग की साइज़ है वो और छोटी होती जा रही है, इसलिए इसे और छोटी बनाने के लिए यहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ड्स को कट करना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पर इसके सिक्स वाली लाइन की पाइपिंग करेंगे तो इसमें हमको फाइव या सिक्स कोर्ड को कट करना पड़ेगा, तो तब जाकर ये स्मॉल साइज़ की पाइपिंग होगी हमारी अंदर की। तो देखिए इसके सिक्स वाली लाइन में हम ये देखिए एक एक कोर्ड को कट करते जा रहे हैं और फिर पाइपिंग करते जा रहे हैं, और कम से कम यहाँ पर हम फाइव कोर्ड्स को या फिर सिक्स कोर्ड्स को भी कट कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स सिक्स टू सेवन लाइन पाइपिंग होने के बाद ये जो कोर्ड्स बच जाएंगे उसे हम इसके अंदर की ओर ले जाएंगे, और यहाँ पर इस तरीके से कोर्ड्स को निकालने के बाद बचवी कोर्ड्स को हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे और लाइटर की हेल्प से इसे स्टिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये ऊपर का कवर बन चुका है। अब हम यहाँ पर टू ब्लू कलर के कोर्ड्स को अटैच करेंगे, इनकी साइज है 2 मीटर। देखिए फ्रेंड्स ये टू कोर्ड्स को अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन सिंपल बेसिक नोट को बनाते जाएंगे।
और देखिए यहाँ पर हमारे ये लाइन बाय लाइन हमने इस तरीके से सिंपल बेसिक नोट को बना लिया है, और ये 30 टाइम्स हमने ये सिंपल बेसिक नोट को बनाया है। और इस तरीके से ये नोट्स बनने के बाद अब हम इसे इसके सामने वाले पार्ट में ही अटैच करेंगे। और देखिए ये जो हमने सिंपल बेसिक नोट को बनाया था उनकी सभी बची हुई कोर्ड्स को हमने इसके सामने वाले पार्ट्स में अटैच कर दिया है। और अब ये बची हुई कोर्ड्स को हम सीजर की हेल्प से कट करके लाइटर की हेल्प से वहाँ पर स्टिक कर देंगे। और देखिए ये जो हमने ऊपर का कवर बनाया था उसे हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम 1/2 मीटर की स्मॉल साइज़ की ये ब्लू कलर की कोड लेंगे, और उसको हम ये जो हमने यहाँ पर कवर बनाया था उसके अंदर से इस तरीके से निकालेंगे। और देखिए वो कोर्ड्स को हम ये कवर के अंदर से इस तरीके से निकालने के बाद यहाँ पर हम 2 नोट्स को बना लेंगे ताकि ये जो कवर है वो अच्छे से अटैच हो जाए। और अटैच होने के बाद यहाँ पर जो कोर्ड बच जाएंगी उसे हम सीजर की हेल्प से कट कर कर लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नोट को बना लेते हैं। तो देखिए ये नोट बनाने के बाद यहाँ पर हमने सीजर के हेल्प से इसकी बची कोर्ड को कट कर दिया है, और अब हम लाइटर के हेल्प से यहाँ पर इसे पीछे स्टिक कर देंगे। और देखिए अब हम यहाँ पर टिफ़िन को इसके इनसाइड रख कर देख लेते हैं कि परफेक्ट साइज़ बनी है कि नहीं। तो देखिए ये टिफ़िन बराबर इसमें इस तरीके से फिट हो रहा है, और इसके हिसाब से हमने ये परफेक्ट साइज़ का टिफ़िन बैग भी बनाया है। अब हम ऊपर वाले कवर को पैक करेंगे ताकि ये ओपन और क्लोज हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम देखिए एक फ्लावर बीड और एक काटा बीड लेंगे, और उसे ये 1/2 मीटर की थोड़ी स्मॉल साइज़ की एक कोड में से इस तरीके से निकाल लेंगे ये दोनों बीड्स को, और उसे हम ये टिफ़िन बॉक्स के इस साइड में इसके सामने वाले पार्ट में अटैच करेंगे। और इसे अटैच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक कोर्ड को इसके अंदर की ओर ले जाएंगे।
तो देखिए दो कोड को इस तरीके से अंदर की ओर ले जाने के बाद अब हम यहाँ पर इसे सीजर की हेल्प से कट कर देंगे और लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर फिर से इस तरीके से हाफ मीटर की एक और कोड लेंगे और वो एक और कोड को यहाँ पर हम इसके इनसाइड ये जो ऊपर वाले कवर है उसके अंदर की ओर ले जाएंगे। देखिए वही कोड को हम अब इसके नीचे की ओर लिया है और जो कोड बच जाएंगे उसे हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे और लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। और देखिए इसे इस तरीके से ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ पर हमने ये बीट्स को अटैच करा है और ये हाफ मीटर के कोड को इसके कवर के पास हमने अटैच करा है। तो देखिए ये ओपन कर सकते हैं और उसके बाद क्लोज करना हो तो ये बीट्स के अंदर से ये कोड को इस तरीके से निकाल लेंगे तो ये हमारे टिफिन बॉक्स इस तरीके से कवर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर हमारा मैक्रम का टिफ़िन बैग बनकर तैयार हो चुका है जो कि बहुत सिंपल है, यूनिक डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए और साथ में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।